हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फर स्टडीज स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सुबह के पाँच बजे के सेशन की जैसे आपको आदत लग गई है इसी तरीके से एक और आदत बना लीजिए एक और चैनल की दैट इज़ ड्रीम यू अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि अब उस पर भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं तो चाहे आप यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एन है सी है स्टेट पी है एनी एग्जामिनेशन और एस है हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जैसे कि एडिटोरियल्स हैं या फिर बर्निंग इश्यूज हैं दे विल बी कवर्ड ठीक है तो उसको एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स को ऐड ज़रूर करिएगा चलिए ये क्लास आपका सुबह पाँच बजे रिकॉर्डेड मोड पे होता है इसके अलावा आपका डेली बेसिस पे सुबह सात बजे करेंट अफेयर का क्लास चल रहा है सेकेंडली आपकी जो टेस्ट सीरीज है आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है दोपहर में दो बजे ऑनाना के आर्मी और शाम में आप लोगों का जो स्पेशल क्लास होता था यूपीएससी कैटेगरी में उसका समय थोड़ा सा बदल गया है अब साढ़े दस बजे होता है तो डोंट मिस इट चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार से लिंक को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में और इसको लाइक भी कर दिया करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देख तो लेते हैं क्लासेस को बट वो लाइक नहीं करते हैं पता है यही सब चीजें होती हैं जो एक तरीके से हमारे लिए ना मोटिवेशन होती है तो प्लीज डू दैट ओके चलो पहला सवाल डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कौन से आर्टिकल्स में आता है सिंपल आंसर बनेगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन के बीच में ये आर्टिकल्स आते हैं पहला वाला जो है ये फंडामेंटल राइट right है यानी कि मौलिक अधिकार है इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये आपके प्रेसिडेंट के लिए है राष्ट्रपति के लिए और जो लास्ट वाला है ये नागरिकता के लिए आता है सिटीजनशिप के लिए इस चीज़ को यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है चलो ये तो बात हुई इसके बारे में अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बताइएगा द कनेक्टिंग स्ट्रेट ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका अगर आपने यूपीएससी कैटेगरी में मैपिंग का जो सेशन मैंने कराया है या फिर सुबह साढ़े पांच बजे की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैपिंग की अगर वो देखा है तो आंसर कर लोगे नहीं देखा है तो नहीं कर पाओगे देखो मलक्का स्ट्रेट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये साउथ ईस्ट में चला जाएगा एशिया का पार्ट है ये हो नहीं सकता ये अफ्रीका के ऊपर है बचा ये या फिर ये तो ये आपके ग्रीन लैंड के पास में और सवाल क्या पूछ रहा है आपसे एशिया और नॉर्थ अमेरिका आंसर क्या हो जाएगा बैरिंग स्ट्रेट रहेगा अगला सवाल इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के हिसाब से अगर देखा जाता है तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है लार्जर देन तो ऑस्ट्रेलिया है बट स्मॉलर देन अंटार्कटिका है तो इसका आंसर क्या होगा यूरोप बनेगा अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से कौन सा है तो जरा देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन इसका करेक्ट आंसर करके बताता है अगला सवाल विस मुग़ल एम्पर इज़ नेम्ड एज रंगीला आपने सुना होगा जैसे कि अकबर टू का टाइटल है या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि और भी काफ़ी सारे टाइटल्स दिए जाते तो रंगीला नाम का जो टाइटल था वो कौन से मुग़ल शासक को दिया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा मोहम्मद शाह को इस टाइटल से नवाजा गया था एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा लाइक फोकस नहीं करते थे राजनीति के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसलिए उनको इस नाम से संबोधित किया गया अगला देखिएगा पूछा जा रहा है आपसे पंचतंत्र ठीक है अब इसको ट्रांसलेट किसने किया है पर्शियन लैंग्वेज में और किस टाइम पे ट्रांसलेशन हुआ था अकबर के टाइम पे इसको ट्रांसलेट किया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा अबुल फजल देखो अगर आपसे पूछा जाता है पैरेट ऑफ इंडिया नाम क्या होगा मुझे बताइएगा ये जो पैरेट ऑफ इंडिया है ये कितने राजाओं के समय पर आपको देखने को मिलते मतलब तो भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे साम्राज्य रहे जिनके टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिलते हैं टोटल सात हैं ये बता दें बस आप नाम बताइएगा अगला सवाल बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा नेटल इंडिया कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था ये आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर बनाया गया था कौन से ईयर में इसको फॉर्म किया गया था आंसर बनेगा एटीन क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका में गए हुए थे राइट वहाँ पे उनको किसी केस के बारे में डील करना था और वहीं से उन्होंने अपना सबसे पहला क्या शुरू किया था सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी थी सबसे पहला जो था ना वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ था इंडिया वाला तो बाद में आया वो पहले वहाँ से स्टार्ट होता है अगला कार्गो इंटरनेशनल के एम्बेसडर या फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे सोनू सूद अभी हाल ही में इनकी एक किताब आई है आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा और लेटेस्ट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि एसर के जो ब्रांड हैं हैं वो वो भी कौन है सोनू सूद अगला सवाल मेन ग्लैंड कुछ याद आया आंसू टीय कुछ ऐसा सा आपको बताना है कि कहाँ पर पाया जाता है तो डेफिनेटली आईज में पाया जाता है देखिये आइज में आपको दो चीजें मिलती हैं ऊपर के साइड में क्या होता है लेक्राइमेल होता है नीचे के साइड में आपका ये होता है इसकी फॉर्मेशन क्या होती है ये आप कह सकते हो वैक्स की फॉर्मेशन करता है आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बार जब तो छोटे बच्चे सुबह सुबह सो के उठते हैं या कभी भी जब आपने देखा होगा सो के उठते हैं तो उनके आंख के बिल्कुल कॉर्नर पे ना जिसको आप हिंदी में कहते हैं आँख में कीचड़ आ गया ऐसे बोलते हो ना तो वही जो है उसे हम क्या बोलते हैं ये वैक्स होता है जो हमारी आइज में प्रोड्यूस होता है ठीक है चलिए अगला विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस जैसे जैसे मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है अब साउंड की जो स्पीड है गैस के अंदर वो क्या होगी डेफिनेटली वो क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी अगला अच्छा हाँ एक चीज और आपका जो पेड बैच है एस एस सी कैटेगरी में जो आपके रेलवे दिल्ली पुलिस हर एक एग्जाम को कवर कर रहा है बिल्कुल बेसिक से वो बैच चल रहा है उस बैच में एक क्लास हो गया तो अगर अभी भी आप सोच ही रहे हो कि हाँ वो बैच ज्वाइन करना है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए इससे पहले कि उसके प्राइजेस इंक्रीज हो ठीक है अगला सवाल अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स जैसे कि सॉफ्ट सोप होते हैं ना जो आपके साबुन वगैरह होते हैं ना उसमें क्या चीज होती है उसमें पोटासियम पाया जाता है अगला ब्लड इज अ टाइप ऑफ अब देखो ब्लड क्या है हमारे बॉडी के एक हिस्से से पूरे पार्ट में जाता है हर एक पार्ट में जाता है तो क्या करेगा हर एक को जोड़ता हुआ जा रहा है ना तो इसे हम क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ये कनेक्शन करने का काम करता है अगला माइक्रोकॉन्ट्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन अब माइक्रोकॉन्ट्रिया जो होते हैं वो इसमें से किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं माइक्रो को और क्या बोला जाता है जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगला वन ज द राबी क्रॉप देखो तीन तरीके की होती है खारिफ होती है राबी होती है और जायद होती है खारिफ जो है वो मानसून टाइम में होगी और राबी जो है वो आपके विंटर टाइम में होगी इतना याद रखना इन दोनों के बीच के जो क्रॉप होती है उसे हम क्या कहते हैं जायद कहते हैं इसमें फ्रूट्स आते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया है ना खरबूजा हो गया तरबूज हो गया ये सब क्या है ये आपके जायद क्रॉप के अंदर आता है अब इसका आंसर क्या बनेगा बार्ले इज द राइट आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट इसमें से कौन सी ऐसी करंट है जो कि कोल्ड करेंट है इसका आंसर कर करके बताओ क्या है इसका आंसर था साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट इसका आंसर क्या आएगा साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट ये क्या हो जाएगी आपकी कोल्ड करेंट रहेगी ठीक है अगला देखिए परादीप पोर्ट ये आपको कौन सी रिवर के डेल्टा पे मिलता है तो पहले तो ये ध्यान रखो पारादीप पोर्ट कहाँ है ओरिशा के अंदर है तो रिवर कौन सी होगी महानदी रहेगी बेतानी हो सकती है बट बेतानी जो ना थोड़ा सा अलग हटके है तो मेन जो रिवर आती है वो आपकी महानदी आएगी ओडिशा के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल बेस्ड ऑन द गांधी एन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसमें से कौन सा वाला ऐसा मूवमेंट था या स्ट्रगल था जिसमें आपको गांधी जी से जुड़ी हुई इतनी सारी चीजें मिलती हैं और वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए था इसका आंसर क्या हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर मैंने तीन चीज़ें आपको बताई हैं कैक के नाम से चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा तीनों को याद रखिएगा अगला मुंडा लैंग्वेज ये कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है जैसे आपने देखा होगा ना द्रबेडियन अलग होते हैं ये अलग होते हैं वो अलग होते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके बारे में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा है यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है ना ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला जो कॉन्टिनेंट है वहां से जुड़े हुए अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ द अर्थ या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कितने यहाँ पे मेजर प्लेट्स आपको मिलते हैं हाउ मेनी प्लेट्स द अर्थ मेड अप ऑफ देखो सिंपल है कहने के लिए हम पंद्रह कह सकते हैं ठीक बट देखो इसमें पता है डिफरेंस है सात तो आपकी मेजर प्लेट है ही है वो तो आपको पता ही होना चाहिए बट माइनर प्लेट की ऐसी कोई गिनती नहीं है क्योंकि बहुत सारी आपको माइनर प्लेट्स देखने को मिलती हैं तो डेफिनेट सा एक कोई काउंटिंग नहीं है उसकी ठीक है बेटर लीव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अकॉर्डेड आ जी आई टैग रिसेंटली आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेटर लीव है वो आपने देखा होगा ना क्या कहते हैं सुपाड़ी होती है सुपाड़ी सी वाली सुपाड़ी वो वाली सुपाड़ी नहीं वो जो सुपाड़ी हम लोग ने देखा होगा जिसको हम डली बोलते हैं वो डली जैसी होती है ना उसको बीच में तोड़ के वो खाई जाती है और कई जगह पे पूजा पे भी इस्तेमाल होता है उसको जीआई टाइप कहाँ पे केरला के अंदर अगला कोरस इज अ सेपरेट कमांडो यूनिट ऑफ कोरस जो है वो एक सेपरेट कमांडो यूनिट है किसका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ठीक चलो ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अब इसके साथ में आपको बता देते हैं कि आपके लिए जो सात बजे का करंट अफेयर्स होता है दैट इज लाइव सेशन जो आपकी एक लाइफ लाइन है तो उसे मिस मत करिएगा इसके अलावा ये आपका वो पेड़ बैच है ये कंप्लीट कोर्स है ठीक है ना यहाँ शब्दों पे मत जाइएगा दिस इज़ अ कंप्लीट कोर्स जिसमें जीएस के हर एक सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे शुरुआत हम हिस्ट्री से कर चुके हैं एक क्लास हुआ है आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच की फी कितनी है फाइव फोर जीरो जीरो है कौन कौन से एग्जाम कवर करेगा आपके सामने मेंशन है ये ध्यान रखिएगा जब आप इतना अमाउंट पे करोगे एक साल के लिए वो फ़ी होगी जिसमें जी मैथ इंग्लिश और रीजनिंग ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और कोर्ट क्या लगेगा प्रति टेन आपका कोर्ड रहेगा ठीक अगला देखिएगा यूपीएससी कैटेगरी में आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है बीस नवंबर से जिसमें प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू ये सारी चीजें कवर होंगी और ये भी आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा क्रैश कोर्स ये भी नहीं है जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन जोग्राफी से जब ये खत्म होगी फिर पॉलिटी फिर इकोनॉमिक सारी चीजें होंगी मतलब प्रिलिम्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके लाइक जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर बैच में देखो बाहर आप निकलोगे तो यही आपको करीबन टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स लाख का पड़ता है है ना यहाँ पे अभी ये बैच आपको कितने में मिल रहा है फोर फोर ट्रिपल जीरो में कोड क्या लगाना है प्रति टेन कोड लगा के आप इसको यूज कर सकते हो और इस बैच का जो लिंक है वो सात बजे के वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है थर्ड बट नॉट द लीस्ट ड्रीम यूपीएससी चैनल अब तो ये आपको सर्च में भी दिखना स्टार्ट हो गया है क्या करना है आपको वहां पे सर्च करना है ड्रीम यूपीएससी और यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और इसके बाद नीचे एक बेल आइकन होगा उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है प्लीज सब्सक्राइबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नया चैनल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए इस इसपे क्लासेस शुरू हो रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए चले मिलते हैं फिर सात बजे के सेशन में टिल दिन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय एंड टेक केयर